देखो ये बात बतानी तुम सबको बहुत जरूरी कि अगर ये बात मैंने तुमसे आज नहीं बताई ना तो आने वाले 3-4 दिन की जो बातें होंगी वो तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। और बात जो जरूरी है, बात जो मुद्दे की है वो है ये कि तुम्हारा भाई जा रहा है कल एक लॉन्ग ट्रिप पे। तो हाँ जी, क्या हाल चाल है, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिशियन खान। भाई बात जरूरी थी ये बताना, मेरे पेट में मतलब हजम नहीं हो रही थी। कल सुबह उठ के मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ में। वो फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलरेडी आप एक दो को देख चुके होंगे, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे। मतलब फील हो रहा था कि यार दिवाली है, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली विश कर दूं। और उसके साथ मैं बता दूं कि भाई मैं जा रहा हूं एक ट्रिप पे, और जहां पे मैं जा रहा हूं वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है यार। तो मतलब ठंडी से बचने के लिए हमें चाहिए वूलन क्लोथ्स, और वूलन क्लोथ्स को पैक करने के लिए ज्यादा स्पेस घेरते हैं। तो आज मैंने एक टेक्निक सीखी, इसको बोलते हैं मिलिट्री रोल, उसके थ्रू मैं अपने कपड़े पैकिंग करूंगा। चलो आप तुमको दिखाते हैं कि जीन्स और स्वेटशर्ट्स आप कैसे पैक कर सकते हो जो कम स्पेस लेते हैं। तो ठंडी के लिए सारे कपड़े चाहिए ठंडक वाले। तो गाइस मैं इन सारे कपड़ों को सबसे पहले साइड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आप जीन्स को कैसे फोल्ड कर सकते हो, वो भी मिलिट्री रोल के तरीके से, क्योंकि जीन्स ऑफ कोर्स ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो अभी ये जो टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें जीन्स आपका कम स्पेस लेगा एंड यू कैन ईजिली फोल्ड द जीन्स। सबसे पहले आपको जीन्स का एक लेग ऐसे कुछ मोड़ना है जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से मोड़ने के बाद में ये जो टॉप वाला पोर्शन होगा इससे यहाँ से आपको इसको रोल करना है, ठीक है। एंड आपको बस रोल करते जाना है, रोल करते जाना है, लास्ट तक आपको रोल करते जाना है। तो यू कैन जस्ट रोल लाइक दिस। अभी ये जो पोर्शन हमारा बचा हुआ था इट वुड वर्क लाइक द बैग, ये बैग के तरीके से काम करेगा। एंड आप इससे इसके ऊपर कवर कर सकते हो। तो जैसे ये बैग कवर कर लेगा इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अभी आप देख सकते हो हमारी जींस कितना कम स्पेस ले रही है और एक बैग के तरीके से बन के वो रुक गई है जस्ट लाइक दिस। तो अभी हमारी जीन्स कम्प्लीटली फोल्ड हो चुकी है। एंड इतनी बड़ी जीन्स को आप एक आराम से ऐसा पाउच बना के कैरी कर सकते हो, ये बहुत कम स्पेस लेगा आपके बैग में। सो गाइस ये तो बात हो गई जीन्स की, अब मैं आपको बताता हूँ आप स्वेट शर्ट्स को कैसे पैक करोगे। तो आपको जिस स्वेट शर्ट को लेना है आप उसको ले लीजिए, एंड उसको ऐसे डालने के बाद आपको जो नीचे का पोर्शन होगा उसको आपको अंदर से पकड़ के बाहर की ओर फोल्ड कर देना है जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड जैसे ये फोल्ड हो जाएगा उसके बाद आपको इसको ऐसे मोड़ना है, उसकी स्लीव को एक बार ऐसे करने के बाद ऊपर की ओर फोल्ड करना है, एक बार और इसको उधर साइड से लेना है। एंड इसकी जो स्लीव होगी इसको आपको ऐसे मोड़ने के बाद फिर से ऐसे कर लेना है। अभी आपको टॉप से यहाँ से रोल करना शुरू करना है, एकदम बराबर से टाइट सा रोल करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर नीचे पहुँचते हो आपको ये बैग टाइप से दिखेगा, आप इसको ले कर कम्प्लीटली इसमें ऐसे ढक सकते हो। अब आप देख सकते हो कि आपकी ये शर्ट भी पैक हो चुकी है। तो स्वेट शर्ट पैक होने के बाद मैं अपनी जीन्स को भी यहाँ पे लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा दोनों लग रहे हैं फोल्ड होने के बाद। तो आप देख सकते हो गाइस कि भी ये दोनों चीज़ें कितना कम स्पेस ले रहे हैं। अगर आप अपने बैग में रखोगे ईजिली आपकी जीन्स भी आ गई, स्वेट शर्ट भी आ गई। इस तरीके से आप कपड़ों को फोल्ड कर सकते हो, स्पेस बहुत ही कम लेंगे रदर देन फोल्डिंग इट इन अ नॉर्मल एंड क्लासिक वे। मैंने तो आप सभी को दिखा दिया आप सभी को अपने कपड़े कैसे फोल्ड करने हैं। तो अभी मेरे पास भी काफी सारे कपड़े पड़े हैं, मुझे इनको फटाफट फोल्ड करना है, फोल्ड कर लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो फिर देखो मैं कैसे शक्तिमान तरीके से फोल्ड करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं गाइस मेरे बैग में सारे कपड़े बहुत आसानी से आ गए। फाइनली सारा सामान पैक हो चुका है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहां से बात कर रहा हूं, अभी आता हूं। 1 2 3 तो भाई सारा सामान पैक हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था सारा सामान फटाफट, लेकिन मैंने पैक कर दिया है अभी, क्योंकि कपड़े ले जाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप कुछ ऐसे प्लेसेस पे जा रहे हो जहाँ पे कम ठंडी पड़ रही है या पर ठंडी नहीं पड़ रही तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर मैं गोवा जा रहा था आई वुडेंट हैव टेकन ऑल दोस थिंग्स, लेकिन ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो भाई डेफिनेटली कुल्फी जमने से बेटर है कि आप अपने कपड़े ले के जाओ। कैमरा गियर्स जितने भी हैं सारे, मेरा कैमरा की बैटरी से लगा के कैमरा के लेंस, मेरा ट्राईपॉड, मेरा माइक, ये सारी की सारी चीज़ें अभी पैक करना बाकी है। वो मैं कल सुबह उठ के करूँगा बिकॉज अभी रात के 2 बज रहे हैं, सारा काम करते करते इतना टाइम हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठूंगा तो सारा कैमरा गियर्स रखने मुझे, वो मैं उधर बार बार इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि उधर सारा कैमरा गियर्स रखा हुआ है।
तो मैं इनको सबको पैक करूंगा एंड सुबह निकलता हूं। और जहां पे जा रहा हूं गाइस, जहां पे जा रहा हूं वो मैं आपको कल सुबह उठ के बताऊंगा कि मैं कल कहां जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी सोते हैं एंड कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।